है तेरी चाहत, तेरी जरूरत दुनिया में। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? किन्नर नाम सुन के आज भी लोग अपना मुंह फेर लेते हैं, और एक किन्नर होते हैं जो लोगों को हमेशा दुआ देते हैं। लोग इनकी दुआओं को आराम से एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद कोई इन्हें समाज में बैठने के काबिल भी नहीं समझता। दोस्तों, आज हम आपको जिनके बारे में बताने जा रहे हैं, उन्होंने भी अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन जिंदगी में स्ट्रगल करने के बाद आज वो सोशल मीडिया पर कामयाब हैं। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले जान लीजिए, मेरा नाम है जतिन तोमर। दोस्तों, आज की वीडियो खुशी से की है। आज हम आपको खुशी के संघर्ष से लेकर सफलता तक की पूरी कहानी बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके फैक्ट्स। Hey, you're looking good. ना आया करो, तुम भी लगोगे। खुशी शेख का जन्म 11 नवंबर 1998 को मुंबरा महाराष्ट्र में हुआ। इनके जन्म पर ही इनके घरवालों को पता चल गया था कि खुशी एक किन्नर है। इनके घरवालों को जैसे ही खुशी के बारे में पता चला, उन्होंने ये बात सबसे छुपा कर रखी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि खुशी को किन्नर की टोली उठा के ले जाए। खुशी की परवरिश एक लड़के की तरह हुई, और खुशी को ये भी समझाया गया कि अगर तुमसे कोई पूछे तो तुम्हें यही कहना है कि मैं एक लड़का हूँ। उसके बाद जैसे जैसे खुशी की उम्र बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे खुशी के मन में सवाल बढ़ते जा रहे थे। खुशी जैसे ही 5th क्लास तक पहुंची, तभी खुशी को समझ आ गया कि ना तो वो लड़का है और ना ही लड़की है। उसी समय इनके क्लास के बच्चे इन्हें हिजड़ा और छक्का कहकर बुलाने लगे थे, क्योंकि खुशी स्कूल में एक लड़का थी। लेकिन खुशी की हरकतें लड़कियों जैसी थी। जब खुशी अपनी स्कूल की पढ़ाई कर रही थी, उस समय इनके घर के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए, क्योंकि खुशी अपने माँ बाप की अकेली बच्ची थी। खुशी के पापा अपनी उम्र के चलते घर को संभालने में असमर्थ होते जा रहे थे, इसीलिए फिर खुशी ने भीख मांगना शुरू कर दिया। एक बार खुशी सिग्नल पर भीख मांग रही थी, तब इनकी मुलाकात एक किन्नर से हुई, जिन्हें आज भी खुशी अपना गुरु मानती है। खुशी के गुरु का नाम सलमा खान है। सलमा खान एक लोकल अदालत की जज हैं। खुशी को सिग्नल से उठाकर सलमा अपने किन्नर वाली सोसाइटी में ले आई। खुशी अपने गुरु की मेहनत को देखकर उनसे इंस्पायर होने लगी, और उसी इंस्पिरेशन के कारण इन्होंने टिकटॉक ज्वाइन कर लिया। टिकटॉक पर खुशी वायरल भी हो गई। शादी विवाह समारोह में जब कभी खुशी को बुलाया जाता था, तो खुशी अपने डांस से सबका दिल जीत लिया करती थी। टिकटॉक ने खुशी को बड़ा नाम दिया था, लेकिन जब इंडिया में टिकटॉक बैन हो गया, तब खुशी के टिकटॉक पर 2.5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके थे। आज खुशी इंस्टाग्राम रील्स पर अपनी वीडियो डालती हैं। इनकी इंस्टाग्राम आईडी खुशी1216 के नाम से है, जिस पर इनके 1.2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है। इनका यूट्यूब चैनल शेख खुशी के नाम से है, जिस पर इनके 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। देखो, हम बैठ के बात कर लेते हैं। मेरी बात तो सुनो, इतनी भी क्या बता, मेरी गलती क्या है? मेरी गलती तो बताओ। आजकल खुशी और सोहेल की वीडियो बहुत पसंद की जा रही हैं। कुछ लोग समझते हैं कि सोहेल और खुशी रिलेशन में हैं, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि ये दोनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं, और ये दोनों सोशल मीडिया पर अपना अच्छा नाम बनाने के लिए एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। शेख की वीडियो कैसी लगी, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, तो आप लोग हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से नए वीडियो में। जय हिंद। ये दोस्त है मेरा, तू क्या समझाया इसे? फकीर समझाया इसे तू? नालायक समझाया इसे तू? न जलीलों को खानदान से समझ गया इसे तू? अबे रहने दे, समझ गया होगा वो। अबे रुक जा तू, समझ गया गंदा। सुन छोटे, हाँ, अंजलि के बाप को जाके बता दे क्या मैं आ रहा हूँ, और उसके सामने उसकी बेटी के साथ शादी करूंगा। उसके बाप नहीं मानेगा सूर्या भाई। मैं किसी से नहीं डरता। उसका बाप पुलिस में है। कौन अंजलि?